भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सोशल मीडिया में डिजिटल बाबा के नाम से प्रसिद्ध युवा सन्यासी स्वामी रामशंकर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिवस पर बधाई दी है। साथ ही साथ उन्होंने निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम की बसों में साधु संतों के लिए सीट आरक्षित की जाए और धनहीन साधु संतों को परिवहन निगम के बस किराए में 50% की रियायत दी जाए। बताते चले कि डिजिटल बाबा हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ धाम में अपनी कुटिया बनाकर साधनारत है। बाबा जी नमस्ते। हाँ, आपको मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मेरा प्रणाम है। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, देश राष्ट्र के लिए लगातार जिस तरह से आप बेहतर काम कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें। बाबा जी, एक आपसे ना आज हम डिमांड कर रहे हैं। क्या है, आज आपका जन्मदिवस है और छोटे बच्चों के पास जब जाते हैं तो उनके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, आप तो बड़े हैं, तो आपसे हमको ये चाहिए। हमने आपका एक उद्बोधन सुना था जिसका वीडियो अभी भी यूट्यूब पर है, जिसमें आप बता रहे थे कि जब आप बैंकॉक की यात्रा में गए थे तो वहाँ आपने देखा जो वहाँ पर बसें संचालित हो रही हैं उन बसों में साधु संतों के लिए सीट रिजर्व रखा गया था। ये इस बात का द्योतक है कि वहाँ पर संतों का कितना सम्मान है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हर राज्य में तो संभव नहीं है आपके लिए, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में 2 सीट आरक्षित कर दीजिए साधु संतों के लिए भी। सोचिए ना, वो अपने जीवन के समस्त सुखों का त्याग करके अपना जीवन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित किए हैं, क्या उनका इतना भी अधिकार नहीं है कि जब वो देश हित के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं धर्म के प्रचार के लिए, संस्कृति के प्रचार के लिए, तो उनको ससम्मान हम अपने परिवहन निगम में स्थान दें, एक जगह आरक्षित करें। अब सब कोई आपके जैसा बड़ा बाबा तो नहीं है, और जो आपके आसपास बड़े बड़े बाबा लोग हैं उनको सरकारी बस में चलने की ज़रूरत भी नहीं है, उनके पास बड़े बड़े कार हैं, बड़े बड़े गाड़ी हैं, बड़े बड़े सेठ लोग हैं। हाँ, लेकिन हम जैसे जो साधारण लोग हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भक्त गाड़ी में बुला लेता है, लेकिन जब हमको खुद यात्रा करना होता है तो हम हमेशा बस में ही यात्रा करते हैं। और पता है, हमारे से बहुत सारे लोग हैं बाबा जी, तो उनकी फिक्र थोड़ी सी कर लीजिए। बाबा जी, एक और डिमांड है, जो साधु संत ना व्यापारी नहीं है, जो बहुत धन अर्जित नहीं कर पाते, साधारण जीवन जीते हैं, उनके पास आय का बहुत जरिया भी नहीं होता, उनके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की यात्राओं के दौरान जो टिकट का किराया होता है उसमें कम से कम 50% का छूट दे दीजिए, बहुत कृपा होगी। धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता।